Hey guys, welcome back to my channel. तो आज का जो वीडियो है इट्स गोइंग टू बी अ हॉल वीडियो एंड अभी तक आपने मेरे चैनल पे नायका हॉल मिंद्रा हॉल देखा होगा बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू डू फर्स्ट ट्राई हॉल ऑन माय चैनल बिकॉज नाउ आई हैव माय 1 month ओल्ड बेबी गर्ल विद मी. उसको काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिल गए थे तो मुझे ऐसे शॉपिंग करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी. सिंस समर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड सो आई थॉट क्यों ना मैं शनाया के लिए थोड़ी बहुत समर शॉपिंग कर लूँ एंड मैंने अपनी सारी शॉपिंग फर्स्ट क्राई ऐप से किया है. आई एम सो मच इन लव विद दिस ऐप बिकॉज पर्सनली मुझे ये ऐप बाकी सारे ऐप से थोड़ा सा डिफरेंट लगा. इसमें मुझे शॉपिंग के लिए ऑप्शन तो मिलता ही है बट दिस अदर कैटेगरी दैट इज़ पेरेंटिंग जहाँ मुझे काफ़ी सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं जो कि मेरे पेरेंटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है. जब मैं अपना हॉस्पिटल बैग बना रही थी तो मुझे जो भी चीज़ें चाहिए थी हॉस्पिटल बैग के लिए मैंने वो सारी चीज़ें फर्स्टक्राई ऐप से ही ऑर्डर किया था एंड आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी दैट दे ऑफर्ड एंड प्राइसेज वर जस्ट ऑसम. आई गॉट एवरी थिंग एट वेरी रीजनेबल प्राइस. तो मेरे लिए इट्स फर्स्टक्राई ऐप इज़ वन स्टॉप शॉप जहाँ मुझे शनाया के लिए हर वो चीज़ जो मैं इमेजिन कर सकती हूँ या जो मुझे चाहिए होती है वो बहुत ही ईजिली वहाँ पर मिल जाता है. नाउ मैं एक टिप ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ. वॉट आई फेल्ट पर्सनली फर्स्टक्राई स्टोर जो है दैट इज़ वे मोर एक्सपेंसिव देन द फर्स्टक्राई ऐप बिकॉज स्टोर्स पे आपको उतने सारे डिस्काउंट्स नहीं मिलते जितने डिस्काउंट्स आपको ऐप पे मिल जाते हैं. ऐप पे हर टाइम आपको कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर मिल जाएगा. इस टाइम भी जब मैंने ऑर्डर किया था तो 60% डिस्काउंट चल रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था. एंड बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है विच इज़ वेरी जेन्युइन व्हाइल दे आर शॉपिंग फॉर देयर लिटिल वन कि पता नहीं क्वालिटी कैसा होगा या मटेरियल कैसा होगा कपड़े का. तो ट्रस्ट मी गाइज मैंने खुद अपने लिटिल वन के लिए शॉपिंग किया है तो आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी द मटेरियल द प्राइस एंड एवरीथिंग दैट फर्स्ट क्राई ऑफर्स. तो एज अ न्यू मॉम मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप बेफिक्र होके अपने लिटिल वन के लिए फर्स्ट क्राई ऐप से शॉपिंग कर सकते हैं. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द हॉल. तो जब आप फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करते हो तो कुछ इस तरीके से आपका पैकेज आता है एंड काफ़ी अच्छे से वो पैक करके भेजते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर इज दिस दिस क्यूट लिटिल रॉम्पर. दिस वॉज फ्रॉम द ब्रांड कुकी किड्स. इसका कलर आप देख सकते हैं काफ़ी सटल काफ़ी लाइट है एंड द फैब्रिक इज़ प्योर कॉटन विच इज़ परफेक्ट फॉर समर टाइम. मैंने शॉपिंग करते वक्त एक बात का ध्यान रखा था कि मैं जो भी कपड़े खरीदूँ द कलर शुड बी वेरी लाइट क्योंकि समर्स में लाइट कलर इज़ वेरी सूदिंग एंड जो फैब्रिक हो दैट शुड बी प्योर कॉटन बिकॉज कोई और फैब्रिक अगर आप समर्स में अपने बेबी को पहनाते हो दे विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल इन देम एंड वो ये बात कन्वे भी नहीं कर सकते. तो एज अ पेरेंट इन बातों का ध्यान आपको ही रखना होगा. सो ऑलवेज गो फॉर लाइट कलर क्लोथ्स एंड द फैब्रिक शुड बी ऑलवेज ऑलवेज प्योर कॉटन. नाउ द सेकेंड वन इज अगेन अ रॉम्पर. दिस वॉज फ्रॉम वंडर चाइल्ड. ये मैंने शनाया को उसके 1 month सेलिब्रेशन पे पहनाया था. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मैंने काफ़ी सारे पिक्स शेयर किए थे शनाया के एंड यू कैन सी द फर्स्ट ऑफ ऑल द फैब्रिक इज 100% कॉटन एंड ये काफ़ी अच्छा सा फ्लोरल सा प्रिंट है इस पर विच लुक्स वेरी प्रिटी एंड या पहनाने के बाद शनाया वॉज लुकिंग एब्सोल्यूटली स्टनिंग इन दिस. द अदर प्रोडक्ट दैट आई गॉट फॉर शनाया इज दिस प्रिटी वनजी फ्रॉम क्यूक्यूम्बर किड्स वेयर. दिस इज वेरी प्रिटी पिंक वनजी.
ये मैंने बेसिकली इसलिए ख़रीदा था कि जब भी मैं शनाया को बाहर लेके जाऊँ तो अभी भी वो शी इज़ वेरी स्मॉल, तो मैं उसको एकदम से खुले कपड़े पहना के बाहर नहीं ले जा सकती. तो मैंने इसी पर्पज़ से ये ख़रीदा था कि जब भी मैं उसको बाहर ले जाऊँ दिस विल बी परफेक्ट आउटफिट फॉर हर. एंड काफ़ी कन्वीनियंट है ये, यहाँ से ओपन होता है जहाँ से आप डाइपर्स एंड ऑल चेंज कर सकते हो. सो दिस इज़ ऑल्सो 100% कॉटन एंड क्यूक्यूम्बर ब्रांड भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है एंड काफ़ी रीजनेबल ब्रांड है, तो ये बहुत आपको एक्सपेंसिव नहीं मिलेगा. नाउ द अदर वन दैट आई गॉट इज दिस प्रिटी पिंक वनजी सेट विद दिस पजामा. दिस वॉज फ्रॉम द ब्रांड Baby Hug, which is also a very reasonable brand that is available on Firstcry. तो इसमें मुझे, मैंने ये इसलिए ख़रीदा था बिकॉज समर टाइम है, मैं ऐसे इसको घर पे एज अ वनजी भी यूज़ कर सकती हूँ एंड जब भी मुझे शनाया को बाहर ले जाना हो तो मैं उसको ये पजामा भी पहना सकती हूँ. मैं एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी सारे न्यू पेरेंट्स को कि जब भी आप अपने बेबीज़ के लिए शॉपिंग कर रहे हो फर्स्ट क्राई ऐप से या किसी भी और ऐप से, तो आप साइज़ का ज़रूर ध्यान रखें. जैसे कि जब मैं शनाया के लिए शॉपिंग कर रही थी तो मैंने इस बात का खास ध्यान रखा था, मुझे न्यू बॉर्न सेक्शन से शॉपिंग करना है क्योंकि शनाया अभी न्यू बॉर्न कैटेगरी में आती है. तो मैंने जो भी ड्रेसेस इसके लिए ऑर्डर किया था फर्स्ट क्राई से, दोज वर फ्रॉम न्यू बॉर्न सेक्शन. एंड जब मैंने वो ड्रेसेस शनाया को पहनाया तो इट वॉज अ परफेक्ट फिट फॉर हर एंड आई वॉज रियली हैप्पी. नाउ द अदर वन दैट आई गॉट फ्रॉम बेबी हग इज दिस क्यूट रॉम्पर. इसका भी प्रिंट काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी समरी प्रिंट है एंड इट इज़ अगेन 100% कॉटन फैब्रिक. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. नाउ व्हाई आई लव रॉम्पर्स, क्योंकि मुझे रॉम्पर्स काफ़ी कन्वीनियंट लगता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप सेट्स ख़रीदते हो तो उसमें व्हाट आई फील, जब हम बेबीज़ को कैरी करते हैं तो वो सेट ऊपर हो जाता है विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड वो बहुत अच्छा भी नहीं लगता. एंड रॉम्पर्स में आई फाइंड दिस वेरी कन्वीनियंट कि आप कितना भी पिक करो इट इज़ नॉट गोइंग टू यू नो स्लाइड अप एंड डायपर्स वगैरह चेंज करने में भी काफ़ी कन्वीनियंट होता है. सो दिस इज़ द वन रीज़न मैंने शनाया के लिए बहुत सारे रॉम्पर्स ऑर्डर किए थे. दिस इज़ अनदर रॉम्पर फ्रॉम द ब्रांड बेबी हग. बेबी हग में आपको काफ़ी क्यूट रॉम्पर्स मिल जाएंगे, काफ़ी क्यूट क्लोथ्स मिल जाएंगे एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे. तो दिस इज़ द वन रीज़न मैंने बेबी हग से काफ़ी सारे आइटम्स मंगाए थे. इस ब्रांड की एक और ख़ास बात है कि इसमें प्रिंट और फैब्रिक परफेक्ट मिलता है. आई मीन यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द फैब्रिक एंड द प्रिंट एंड चूँकि प्राइस काफ़ी रीजनेबल है तो आप श्योरली बेबी हग से नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑर्डर करो आप ये एक ब्रांड ज़रूर चेकआउट करो. बेबी हग का एक सब कैटेगरी है क्यूट वॉक, जिसमें आपको काफ़ी सारे क्यूट सॉक्स एंड शूज़ की वैरायटीज़ मिल जाएंगे फॉर योर लिटिल वन. तो मैंने शनाया के लिए वहाँ से एक ये सॉक्स भी मंगाया था. वैसे बहुत सारे सॉक्स मंगाए थे बट वो सारे मैंने यूज़ कर लिए. सो दिस इज़ द वन जो मैंने इस लॉट में ऑर्डर किया था. मैंने इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर करी तो शनाया के डैड कैसे पीछे रह सकते हैं. सो ही हैड ऑल्सो ऑर्डर्ड फ्यू थिंग्स फॉर शनाया, जिसमें से ये बेबी हग से ये सेट मंगाया था उन्होंने, जिसमें ये तीन बहुत क्यूट यू नो टॉप टाई ऑन टॉप आपको मिलता है जिस परफेक्ट फॉर समर. तो जब भी एक्सट्रीम समर्स हो तो आप ये क्यूट सा टॉप पहना सकते हो एंड योर बेबी विल फील वेरी कंफर्टेबल इन दीज. तो या बेबी हग से ये तीन सेट वो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिल गया था. तो ही हैड ऑर्डर्ड दिस वन फॉर शनाया. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट शनायाज डैड ऑर्डर्ड फॉर हर इज दिस क्यूट बॉडी सूट फ्रॉम बेबी हग एंड लुक एट द प्रिंट, इट इज सो समरी एंड सच प्रिटी प्रिंट it is and the fabric is pure cotton. तो आयुष ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वो 100% cotton fabric ही select करे शनाया के लिए. तो yeah, it's a very cute product. तो ये जब extreme summers होंगे तब मैं ये शनाया को ज़रूर पहनाऊँगी. Now the another product that आयुष had ordered for शनाया is this cute summer top. It's pink in color and fabric is very nice, color is very nice and here it is written mermaid kisses and starfish wishes and this one is from play baby. So yeah, this is a very cute top and Shania is going to love this.
Now the another gift for Shania from her dad is this cute romper set from the brand Toffee House, and I love this one very much क्योंकि मैं इसको ये attached नहीं है तो मैं इसको simple ये as a romper भी use कर सकती हूँ and इस top को किसी और चीज़ के साथ भी team up कर सकती हूँ and this is a very summery color and fabric is superb, it is 100% cotton, so yeah, I really love this one. The another one that I got for Shania is this mitten and socks set. ऐसे मैंने बहुत सारे मंगाए थे, even अपने hospital bag में भी रखने के लिए ऐसे mittens and socks का एक set मैंने रखा था. This is from the brand Simply and ये काफी अच्छा है, काफी soft है, cotton. This is a cotton socks and mittens. तो yeah, this one is good. The another product that I got is this pretty pink towel from the brand Mimi. Now Mimi के products भी मुझे काफी अच्छे लगे. Like मैंने Mimi से Shania के लिए feeding bottles मंगाए, मैंने quick dry sheet मंगाया था Mimi से, and मैंने दो towels भी मंगाए Shania के लिए from the same brand. And I really love the product that they offered. Quality was good and the price was really reasonable. तो बहुत ज़्यादा expensive नहीं है, quality बहुत अच्छी है. तो ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं लाइक मीमी, बेबी हग, जो कि काफ़ी रीजनेबल ब्रांड्स हैं जो कि आपको फर्स्ट ट्राई पे मिलेगा. नाउ द लास्ट वन इन द क्लोथ सेक्शन दैट आई ऑर्डर्ड फॉर शनाया इज दिस पार्टी ड्रेस फ्रॉम मार्क एंड मिया. नाउ मार्क एंड मिया एंड कार्टर्स, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं फर्स्ट ट्राई पे जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. तो मुझे शनाया के लिए एक पार्टी वेयर चाहिए था, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा फ्रॉम द ब्रांड मार्क एंड मिया. आई लव द पैकेजिंग दैट दे डिड एंड जिप लॉक पैकेजिंग है. एंड सो दिस इज द ड्रेस that I ordered for Shania. This is a pretty white onesie dress. Actually ये onesie dress है. इसमें you can see कि आपको नीचे से जो, जब भी आप फ्रॉक पहनाते हो तो नीचे से जो डायपर एंड ऑल दिखता है, that doesn't look good. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इट्स अ वनजी ड्रेस, ये यहाँ से कवर्ड रहेगा. एंड जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी तब मेरे दिमाग में ये था कि आई एम स्पेंडिंग सो मच, तो इसका फैब्रिक पता नहीं अच्छा निकले या ना निकले, या बहुत चुभने वाला फैब्रिक ना हो. बट व्हेन आई गॉट दिस प्रोडक्ट इन माई हैंड आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड. द फैब्रिक इज सो सॉफ्ट, लाइक यू कैन सी, पता नहीं आप सही से देख पा रहे हो इस पे या नहीं, बट आई कैन फील एंड आई कैन टेल यू फैब्रिक बहुत ही अच्छा है. मोर ओवर इट्स अ वनजी फ्रॉक, तो ये एक प्लस पॉइंट था. एंड इसके साथ मुझे ये हेडबैंड भी मिला इन वाइट कलर. तो ये कंप्लीट सेट है एंड आई रियली लव दिस वन. तो जब भी मैं शनाया को ये पहनाऊंगी किसी भी पार्टी या किसी भी ओकेजन पे, आई डेफिनेटली पोस्ट द पिक्चर ऑन माई इंस्टाग्राम. तो अगर आप देखना चाहते हैं डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. उस पर मैं काफ़ी अच्छे पोस्ट शेयर करते रहती हूँ एंड करने की कोशिश भी करती हूँ आपके लिए. मैं अभी इतनी एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजन्स, बट नाउ आई स्टार्ट पोस्टिंग लॉट मैनी इंटरेस्टिंग पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम. तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी देयर. तो ये सारे तो थे क्लोदिंग सेक्शंस में जो मैंने शनाया के लिए ऑर्डर किया था. ना मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी ऑर्डर करी जो कि शनाया के लिए एसेंशियल था एंड मुझे वो चीज़ें चाहिए थी अपनी बेबी के लिए. सो कम आई शो यू. तो पहला प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया दैट इज़ दिस क्यूट नेल क्लिप फ्रॉम द ब्रांड बेबी हग. एक्चुअली ये ऐसे सेट आया था जिसमें ये नेल क्लिपर एंड प्लस ये सीजर था. तो एंड ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस, लाइक आई गॉट इट फॉर 99 रुपीज़, विच इज़ वेरी रीजनेबल एंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है. आई थॉट कि 99 रुपीज़ में आई डोंट नो क्या क्वालिटी मिलेगा, बट एज आई टोल्ड यू बेबी हग इज़ अ वेरी गुड ब्रांड दैट इज़ अवेलेबल ऑन फर्स्ट क्राई. प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं एंड प्राइस काफ़ी रीजनेबल हैं. द अनदर वन दैट आई गॉट फ्रॉम द ब्रांड मीमी इज दिस पाउडर पफ. It is pink in color and it's a the quality is really very nice. तो मुझे ये एक चाहिए था क्योंकि जब मैं छोटी थी my mom used to you know apply powder from such type of powder puff. तो
जब शनाया हुई तो मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए थी, भले अब कोई ये यूज़ करे ना करे, बट आई रियली वॉन्टेड दिस वन फॉर माई बेबी. तो मैंने ये ऑर्डर किया एंड मीमी पे मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे ये मिल गया. नाउ द नेक्स्ट आइटम दैट आई गॉट फ्रॉम फर्स्ट क्राई इज दिस राई पिलो फ्रॉम द ब्रांड माई न्यू बॉर्न. इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी सॉफ्ट मटेरियल. नाउ हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए राय पिलो यूज़ करना बहुत एसेंशियल होता है टू गिव द परफेक्ट शेप टू द हेड. तो इसीलिए मैंने शनाया के लिए भी राय पिलो मंगाया एंड आई लव द फैक्ट दैट फर्स्ट क्राई पे आप अपने बेबीज़ के लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हो वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है. The another item that I ordered is this feeding bottle from Philips Event. I'll show you ye kaisa dikhta hai. So this is the bottle and it's a 260 ml bottle. Maine abhi tak ye use nahi kiya hai but for the emergency maine ye order karke rakh liya hai taki jab bhi mujhe zarurat pade main shanaya ke liye ye use kar saku. Mujhe is bottle ki khas baat ye lagi ki iske wide neck and rounded corner ke hone ki wajah se isko wash karna bahut hi aasan hai. Plus isme bahut sare parts nahi hai. You just have to wash the cap, nipple, the rings and the bottle. तो ये काफ़ी ईजी टू वॉश है एंड प्लस दिस बॉटल इज एंटीकोलिक एंड BPA फ्री. तो एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप अपने बेबीज के लिए फीडिंग बॉटल खरीदते हो तो आप दो बातों का हमेशा ध्यान रखो, वो बॉटल एंटीकोलिक होना चाहिए एंड BPA फ्री होना चाहिए. आप चाहे तो ग्लास बॉटल या प्लास्टिक बॉटल यूज़ कर सकते हो. इनफैक्ट अगर आप ग्लास बॉटल यूज़ करते हो दैट इज़ फार मोर बेटर देन द प्लास्टिक वन. बट वो आपकी मर्जी है, आप चाहे कोई भी बॉटल यूज़ करो, आप दो बातों का हमेशा ध्यान रखना दैट दैट बॉटल शुड बी BPA फ्री एंड एंटीकोलिक. नाउ जब बात आती है फीडिंग बॉटल की तो उसको क्लीन करना, उसकी हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसीलिए मैंने ये क्लीनिंग बॉटल क्लीनिंग ब्रश ऑर्डर किया था फ्रॉम द ब्रांड मॉरिसन्स एंड ये सिर्फ 32 रुपीज़ का मिला. तो आई रियली लाइक द यू नो द प्रोडक्ट, द प्राइस. ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, इसके ब्रिसल्स काफ़ी अच्छे हैं एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग टू ब्रश हियर, एक बॉटल क्लीन करने के लिए एंड दी छोटू ब्रश, यू कैन सी दिस वन इज टू क्लीन द निप्पल. तो या इट्स अ गुड प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रांड मॉरिसन. नाउ द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम फर्स्ट क्राई इज दीज क्लोथ डायपर्स फ्रॉम द ब्रांड बेबी ओए. नाउ बेबी ओए भी काफ़ी रीजनेबल ब्रांड है जो कि फर्स्ट क्राई पे अवेलेबल है एंड यू कैन सी दीज डायपर्स. ये मुझे पैक ऑफ 6 के सेट में मिला था एंड इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया. बहुत सारे प्रिंट्स अवेलेबल हैं तो आप अपने चॉइस का प्रिंट चूज कर सकते हो. द बेस्ट पार्ट इज इट इज 100% कॉटन. तो ये मेरे बेबी को बहुत कंफर्टेबल फील कराएगा. नाउ इट इज समर टाइम तो पूरे टाइम बेबी को डायपर रखने से रैशेज हो सकते हैं. तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि शनाया के मॉर्निंग मसाज के बाद मैं उसके लिए क्लॉथ डायपर यूज़ करूँ टिल द टाइम शी टेक्स अ बाथ. नहाने के बाद वो दूध पी के सोती है तो उस टाइम पे मैं उसको डायपर पहना देती हूँ. बट जब तक वो जग रही होती है आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको क्लॉथ डायपर में ही रखूँ सो दैट वो थोड़ा सा फ्री फील करे एंड कम्फर्टेबल फील करे. So this was it. I hope आपको ये हॉल अच्छा लगा हो and informative लगा हो. अगर आपको यह हॉल पसंद आया है please इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें and do not forget to share and subscribe to my channel and please press the bell button so that आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के notifications मिलते रहें. Till then, bye.